हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैम की पढ़ाई। स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंटिन्यू आवर थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। स्टूडेंट्स इन प्रीवियस टू लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द गुलाम डायनेस्टी एंड द खिलजी डायनेस्टी। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द तुगलक डायनेस्टी। ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन वॉज एन एफिशियंट एंड एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटर एंड एबल मिलिट्री कमांडर। जो ग्यासुद्दीन था वो बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, मीन्स एक प्रशासक था, और साथ ही साथ में मिलिट्री को कमांड करने वाला भी बहुत ही योग्य शासक था। ही वॉज एन एबल स्टेट्समैन वॉरियर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक बहुत अच्छा स्टेट्समैन मीन्स पॉलिटिशियन, वॉरियर यानी योद्धा, और एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स प्रशासक था। ही बिल्ड द फेमस तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली, और उसी ने दिल्ली में तुगलकाबाद नाम का एक फोर्ट किला बनवाया है। उसके बाद फिर आता है मोहम्मद तुगलक। इसका जो रेन था वो 1324 to 1351 था। द अकाउंट ऑफ ए फॉरेन ट्रेवलर इब्न बतूता प्रोवाइड्स एडुकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज रेन। एक ट्रेवलर आया था, उसका नाम था इब्न बतूता। उसने इस मोहम्मद तुगलक के रेन के बारे में काफी कुछ अपने ट्रेवलॉग्स में लिखा है। इब्न बतूता ट्रेवल्ड फ्रॉम मोरक्को टू इंडिया। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से इंडिया आया था। हियर ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ काजी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर वो दिल्ली का काजी बनाया गया है या नियुक्त किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो अपने समय का बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। और सबसे खास बात थी कि वो लॉजिक, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल साइंस सब में उसकी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, और वो हमेशा कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता था। वन सच एक्सपेरिमेंट वॉज द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अपने कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी भेज ट्रांसफर कर दिया था इन द डेक्कन 1327 इस ईयर में। ही रीनेम इट दौलताबाद, और उसने इसका नाम दौलताबाद रख दिया था। द रीजन फॉर दिस चेंज वॉज देवगिरी सेंट्रल पोजिशन, क्योंकि देवगिरी उसकी जो पूरा उसका एरिया था उसके सेंट्रल पोजिशन में आता था, इसलिए उसने ऐसा किया था। ही फेस वेरियस रिबेलियन इन विच सेवरल रीजन्स बिकेम इंडिपेंडेंट। ही डेड इन 1351। उसने बहुत सारे रिबेल्स को भी झेला और बहुत सारे एरियाज को उसके सामने ही इंडिपेंडेंट हो गए थे। उसकी मृत्यु 1351 में हो गई। फिर नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक 1351 to 1388। फिरोज शाह वॉज अ काइंड हार्टेड, पीस लविंग एंड जस्ट रूलर। फिरोज शाह जो था बहुत ही दयालु, बहुत ही शांत प्रिय और न्याय करने वाला एक राजा था। फिरोज शाह तुगलक्स रेन इज स्पेशली रिमेम्बर्ड फॉर वेरियस पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। उसका जो शासन है वो स्पेशली इसलिए याद किया जाता है कि उसने पब्लिक के भले के लिए बहुत सारी योजनाएं की या बहुत सारे काम किए। ही इस्टेब्लिश न्यू टाउन्स, एजुकेशनल सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। उसने कई नए शहर बनवाए, एजुकेशनल सेंटर्स जैसे स्कूल कॉलेजेस टाइप में बिल्डिंग्स बनवाई, और हॉस्पिटल्स को भी उसने बनवाया। ही रोट ऑफ ऑल लोन्स ग्रांटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जितने भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लोन ग्रांट किए गए थे उन सबको उसने ऑफ कर दिया, मीन्स खत्म कर दिया उनके लोन्स को, मतलब माफ कर दिया। पनिशमेंट्स बिकेम लेस सीवियर अंडर द रिवाइज पैनल कोड, और पनिशमेंट को पहले से काफी कम जो थी सजा काफी कम कर दी गई। ही इम्पोज अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स कॉल्ड जजिया, और उसने एक नॉन मुस्लिम टैक्स जो था वो लगाया जिसका नाम था जजिया। जजिया वॉज एन एनुअल टैक्स टू बी पेड बाई नॉन मुस्लिम्स इन लियो ऑफ स्टेट प्रोटेक्शन। जो जजिया था वो एक ऐसा टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स जैसे कि हिंदू वगैरह जो लोग होते थे उन लोगों को देना पड़ता था स्टेट के प्रोटेक्शन के रूप में, एक टैक्स के रूप में। फिर आती है जॉन्स इन्वेशन ऑफ तैमूर। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी नसीरुद्दीन मोहम्मद द मंगोल किंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया आमिर तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1398। जो लास्ट डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी, उस समय नसीरुद्दीन मोहम्मद राजा था, उसके टाइम पर मंगोल किंग जो था
सेंट्रल एशिया का, उसका नाम था आमिर तैमूर। उसने इंडिया पर 1398 पर इन्वेड किया, मींस आक्रमण किया। ही प्लंडर्ड दिल्ली, उसने बहुत लूटा दिल्ली को, यानी दिल्ली को। ही ऑर्डर्ड अ जनरल मासक्री इन दिल्ली, और साथ ही साथ में उसने बहुत सारे लोगों को का नरसंहार, मतलब बहुत सारे लोगों को मारा था दिल्ली में। स्टूडेंट्स, तुगलक डायनेस्टी एंड द सैयद डायनेस्टी, इन दोनों के बीच में ही वो पीरियड था जब तैमूर का इन्वेशन इंडिया में हुआ था। इसके बाद फिर डायनेस्टी जो आई वो थी द सैयद डायनेस्टी। इसमें फर्स्ट रूलर जो था खिज्र खान। खिज्र खान वॉज अ लोकल गवर्नर, ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ विक्ट्री ऑफ तैमूर। एक वो लोकल गवर्नर था और अपने आप को वो तैमूर का के ऊपर विजय पाने वाला मानता था। एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, और उसने सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की थी। मगर उसका जो रूल था वो दिल्ली में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था। इसके बाद आता है मुबारक शाह, 1421 to 1434। मुबारक शाह वॉज सक्सीडेड बाई हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह। मुबारक शाह ने जो अपना रेन शुरू किया था वो अपने नेफ्यू मोहम्मद शाह से उसका थ्रोन छीनने के बाद स्टार्ट किया था, क्योंकि जो मोहम्मद शाह था ही वॉज वेरी वीक एंड इनकॉम्पिटेंट, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर और अयोग्य व्यक्ति था। अपार्ट फ्रॉम अपराइजिंग एंड रिवोल्ट्स, ही हैड टू फेस द एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल डिसेंशंस, मीन्स रिवोल्ट्स और को तो उसने अपराइज, उसके समय में अपराइज हुए थे, मतलब उठे थे ही। उसके अलावा उसने कुछ इंटरनल उसके में शासन में काफी प्रॉब्लम्स आई थी, उसे उनको भी फेस करना पड़ा था। इस डायनेस्टी के बाद आती है द लोदी डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी जो कि सल्तनत टाइम में मानी जाती है, 1451 to 1526। इसका फर्स्ट रूलर था बहलोल लोदी। इन एडी 1451 बहलोल लोदी एन अफगान हु वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब ऑक्यूपाइड थ्रोन ऑफ दिल्ली। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अफगान था, उसने वो और साथ में पंजाब का वो गवर्नर भी था, उसने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। ही मेंटेन गुड रिलेशंस विद द नोबल्स, और उसका जो एक व्यवहार था या रिलेशन था नोबल्स यानी जो अमीर होते थे उनके संग बहुत अच्छा था। ही सप्रेस रिबिलियंस एंड एस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर सिंध एंड मेवाड़। उसने जितने भी रिबेल हुए, तो जितने भी विद्रोह हुए थे, उन सबको दबा दिया था, बंद कर दिया था, और साथ ही साथ में उसने सिंध और मेवाड़ का एरिया जीत लिया था। इसके बाद आता है सिकंदर लोधी, 1489 to 1517। सिकंदर लोधी वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द लोधी रूलर्स, जितने भी लोधी रूलर्स थे उन सब में सिकंदर लोधी जो था वो ग्रेटेस्ट था, सबसे महान था। दे कंट्रोल्ड द गंगा वैली एज फार एज वेस्टर्न बंगाल, उसने गंगा वैली के साथ साथ पूरे वेस्ट बंगाल तक का एरिया पूरा कंट्रोल कर रखा था। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन एडी 1506 एंड मेड इट इज कैपिटल। उसने आगरा को फाउंड किया था और साथ ही साथ में इसे 1506 में अपनी कैपिटल एंड राजधानी बनाया था। फिर लास्ट रूलर है इब्राहिम लोदी, 1517 to 1526। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का। ही वॉज हार्श क्रूएल एंड अनपॉपुलर, वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल था और बिल्कुल भी फेमस नहीं था। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन एडी 1526। वो हार गया था और साथ में मारा गया था बाबर के साथ पानीपत के बैटल में, फर्स्ट पानीपत के बैटल में, जो कि 1526 में हुआ था। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द मुगल रूलर इन इंडिया, और वही समय था जबकि मुगल रूलर्स का की शुरुआत हुई थी भारत में। ही फेस अ नंबर ऑफ रिबेलियन, साथ ही साथ उसने बहुत सारे रिबेल्स को भी, विद्रोह को भी फेस किया था। अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक अ नंबर ऑफ रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर रिवोल्ट्स बहुत ज्यादा अलग अलग कंट्री के अलग अलग एरियाज में ब्रोक हुए थे या स्टार्ट हुए थे। सम ऑफ दीज रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम, जिसकी वजह से कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश हो गए थे। टू सच किंगडम्स दैट केम इन टू द एक्सिस्टेंस फॉलोइंग रिवोल्ट्स अगेंस्ट द सल्तनत रूल वर विजयनगर एंड बहमनी, और इन्हीं रिवोल्ट्स के बीच में दो ऐसे जो किंगडम थे जो उभर कर सामने आए या बनकर आए, उनमें से एक था विजयनगर और दूसरा था बहमनी। विजयनगर किंगडम, हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड द विजयनगर किंगडम।
एडी 1336 टू 1565 विद इट्स कैपिटल एट हम्पी कर्नाटका। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर किंगडम को फाउंड किया था, उन्होंने शुरुआत किया था और अपनी कैपिटल हम्पी कर्नाटका में बनाया था। दे वर द फर्स्ट टू किंग्स ऑफ द संगम डायनेस्टी, ये ही दोनों संगम डायनेस्टी के पहले दो राजा थे। संगम डायनेस्टी वॉज फॉलोड बाई सालुवा तोलुवा एंड अरविदु डायनेस्टी। इसमें इस संगम डायनेस्टी में ये तीन टाइप अलग अलग डायनेस्टीज आई थी। द मोस्ट फेमस किंग ऑफ विजयनगर वॉज कृष्णदेव राय, और विजयनगर के सबसे महान राजा जो थे वो कृष्णदेव राय थे। बहमनी किंगडम, जफर खान फाउंडेड द बहमनी किंगडम एडी 1347 टू 1527 विथ इट्स कैपिटल एट गुलबर्ग। जफर खान जो था उसने बहमनी नगर को या राज्य को फाउंड किया था, शुरुआत की थी और अपनी जो कैपिटल थी वो गुलबर्ग को बनाया था। इट्स नोटेबल रूलर्स वर मोहम्मद शाह एंड फिरोज शाह, इसके जो बहुत फेमस रूलर्स थे, शासक थे, वो मोहम्मद शाह और फिरोज शाह थे। इट डिसइंटीग्रेटेड इंटू फाइव इंडिपेंडेंट किंगडम्स, ये बट गया था या इसके टुकड़े हो गए थे इस बहमनी राज्य के, और वो पांच अलग अलग छोटे राज्यों में इसके टुकड़े हुए थे। उन पांच राज्यों के नाम बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बीदर थे।